नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस महकमे के आला अफसरों के द्वारा यातायात माह का समापन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह का समापन समारोह कार्यक्रम किया गया, जहां मुख्य अतिथि ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समापन समारोह में शामिल हुए। ADG स्थापना संजय सिंगल, पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा समापन समारोह में मौजूद रहे। तमाम ACP सहित बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मी शामिल रहे। कम से कम दिक्कत पैदा होने देना, ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती को हम लगातार खड़ी करना चाहते हैं। वर्तमान में ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नर पुलिस ने काफ़ी काम किया है। अधिकांश चौराहों पर लखनऊ में सिग्नल लग गए हैं और यह हमारे लिए खुशी का विषय है। पूरे लखनऊ के आम नागरिक उन सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में अभी सिग्नल नहीं लग पाए हैं, हमारा ITMS फेज 2 में उन क्षेत्रों में भी सिग्नल लगाने का प्रोग्राम है, उसको भी हम जल्द ही कर पाएंगे। हमारा अगला प्लान है, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको अनमैन बनाएं, वो ऑटोमेटिक चलें, हमें किसी पुलिसकर्मी को वहाँ ना खड़ा करना पड़े। और यह केवल अनमैन ना हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर किस सड़क पर, किस चौराहे पर, किस रूट पर ट्रैफिक का कितना दबाव है, उस दबाव को ध्यान में रखते हुए सिग्नल काम करे। उसका सिग्नल का रेड येलो या ग्रीन का जो फ्रिक्वेंसी हो, जो बीच में गैप हो, उसी अनुसार हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।